2019 के इलेक्शन भी नज़दीक है, क्या देखते हैं किसके खेमे में जाएगी ये वाली बॉल? इस तरीके के अगर धरने प्रदर्शन सड़कों पर होते रहे तो क्या रहेगा आगामी राजनीति के लिए, वो बताएं। देखिए, शेर का भाई बघेरा, एक कुदैनो दूसरा तेहरा। आज तक आज़ादी के 70 सालों में भी ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी में, जिनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार रही है, इन्होंने संवैधानिक प्रावधानों को लागू नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा जो मत है, या तो सरकार बनेगी बहन जी की, या बनेगी थर्ड फ्रंट की और बहुजन समाज की बनेगी। अगर आप ये कहो कि सर्वजन समाज की और बहुजन समाज की सरकार बनेगी तो यह पूर्णतः सत्य होगा, और इसके अंदर ये दोनों जो पार्टियां हैं, जो जो नागनाथ और सापनाथ है, दोनों बाहर होंगे। एक बात बताइए, आप एक अधिवक्ता हैं, इस देश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, उन पे सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर आरक्षण की बात आती है और वो भी सवर्णों को आरक्षण देना हो तो वो सिर्फ एक हफ्ते में पारित हो जाता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो केसेस पेंडिंग जहां तक की बात है, केसेस पेंडिंग भी इस वजह से है क्योंकि जुडिशी में रिजर्वेशन नहीं है। जी, अगर जुडिशी में रिजर्वेशन होता तो सारा का सारा ब्लेम कि ये रिजर्वेशन वालों के कारण ही ये केस निर्धारित नहीं हो रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक ये 3 करोड़ केसेस लंबित होने की बात है, आप जुडिशी में रिजर्वेशन दो और आने वाले 50 साल में हम सभी केसों का निर्धारण करेंगे। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि शासन के अंदर अगर कोई भी अव्यवस्था होती है तो ये लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन आज जुडिशी ने जो निर्णय दिया है वो पूर्णतः संविधान के विरुद्ध है। मैं SM न्यूज के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि ये कोई 10 दिन के अंदर कोई पास नहीं किया इन्होंने। जब से संविधान सभा बनी है, जब से पिछड़ों को, OBC को, SC को, ST को रिजर्वेशन मिला है या उनके अधिकारों की बात होने लगी है, यह लड़ाई तब से चली आ रही है। इनके पास तो सिर्फ साइनिंग करानी है, जो 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 चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करवाई थी, वो 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में या 10 दिन में वो आ रही है। ठीक है, ये 10 दिन मत करिए, जब नोटबंदी की बात होती है ये 1 दिन में कर देते हैं, जब GST की बात होती है 1 दिन में कर देते हैं, जब इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात होती है तो ये 10 दिन में कर देते हैं, जब 13 पॉइंट रोस्टर की बात होती है तो 1 दिन में कर देते हैं। ये ऐसा नहीं, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि चली आ रही है और वो यही पृष्ठभूमि है कि किस प्रकार जब हमें मौका मिलेगा तो हम पूरे शासन व्यवस्था को और संविधान को बदलेंगे। सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया जैसे सपने कहां तक पूरे हो गए हैं आपके देश में, वो बताएं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ उन लोगों से बचाओ जो लड़कियों पर बुरी नीयत रखते हैं, तो ये नारा तो बिल्कुल ठीक है, बेटी बचाओ और बचेगी तो पढ़ेगी, तो ये स्लोगन सही है सरकार का, क्योंकि आज इनके राज में संजली मरती है, लोगों की हत्याएं होती हैं, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, और सभी लोगों को जो बेटियों के ऊपर जितने अत्याचार इस राज में हुए हैं वो पहले शायद कभी रिपोर्टेड नहीं थे। कहाँ तक विकास देखते हैं हमारे भारत देश के अंदर, कितना विकास हो गया है 5 साल के अंदर? देखिए, ना मंदिर की बात कर ना शिवालयों की बात कर, सूखे टुकड़े मिले हैं निवालों की बात कर। विकास के नाम का जो ये लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं, विकास इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा हैप्पीएस्ट इंडेक्स है वो देख लीजिए, विकास किसको कहते हैं? हाँ, अगर इस बात को विकास कहते हैं कि कुछ लोगों को पूंजीपतियों का घर भरना और यहाँ की जो मनी है वो दूसरे देश में ट्रांसफर करना, ये विकास है, तो इन्होंने विकास किया है। लेकिन लोगों को तक मूलभूत सुविधाओं का ना पहुँचाना विकास नहीं है। विकास का पैमाना इन्होंने ये किया कि जो पहले इनकम की लिमिट 1 लाख थी वो विकास बढ़ा के इन्होंने इनकम की लिमिट 8 लाख कर दी। सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए, आज जहाँ बेटियाँ बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे गाय ज्यादा सुरक्षित है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, ना बेटी सुरक्षित ना बहू सुरक्षित, मोदी तेरे ना बेटी सुरक्षित ना माए सुरक्षित, मोदी तेरे राज में सिर्फ गाय सुरक्षित। ठीक है, इनकी जो 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 इनका शासन करने का जो सिस्टम है, जो इनकी शासन करने की समझ है, वो गाय तक ही सीमित है। क्योंकि अगर महिलाओं की बात करेंगे तो हिंदू कोड बिल की बात करेंगे, उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उनके लिए सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनके लिए सैनिटेशन देना पड़ेगा, उनके लिए मैंने जो रिलीफ है उन्हें वो सारे देने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो महिलाओं की बात करेंगे तो देश की बात करेंगे, इस वजह से महिला विरोधी सरकार है। सत्यप्रकाश जी, एक बात और आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, आज पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद क्यों नहीं बन रहा राम मंदिर? देखिए, राम मंदिर बन गया तो इनके हाथ से मुद्दा छूट जाएगा जी। राम मंदिर बन गया तो इनके हाथ से मुद्दा छूट जाएगा, इस वजह से नहीं बन रहा, क्योंकि इन्हें पता है कि अब ये भविष्य में अगर कभी भी इलेक्शन लड़ेंगे तो राम मंदिर के नाम पे ही लड़ना होगा जी। और राम मंदिर इन्होंने बना दिया, हम तो कहते हैं बना दो जी। जब अध्यादेश ले आओ, जब तुम एक रात में बिल ला सकते हो इकोनॉमिक बिल, तो तुम अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते? लाओ आप अध्यादेश, बनाओ राम मंदिर, लेकिन इनकी बनाने की मंशा नहीं है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, थैंक यू।